राहुल के गढ़ अमेठी से बीजेपी का ट्रिपल अटैक, कांग्रेस उपाध्यक्ष पर अमित शाह, योगी और स्मृति ईरानी का एक साथ हल्ला बोल। अमित शाह ने राहुल को बताया शहजादा, पूछा परिवार की तीन पीढ़ियों ने अमेठी के लिए क्या किया। राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, तीन तीन पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे तीन साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा। राहुल के वार पर अमित शाह का पलटवार, कहा उनकी आंखों पर चढ़ा है इटली का चश्मा, तभी नहीं दिखता विकास। राहुल बाबा ये आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, आपका चश्मा जरा इटालियन चश्मा है, हिंदुस्तान की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती। यूपी के सीएम ने भी गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा कहीं दामाद जमीन हड़पे कहीं बेटा, ये यूपी में अब नहीं होगा। कहीं पर दामाद जमीन हड़पे और कहीं पर पुत्र ही जमीन हड़पने का कार्य करे, अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं चल पाएगा। स्मृति ईरानी ने भी राहुल पर किया वार, बोली अमेठी के नाम पर अकड़ जाते हैं देश भर में घूम घूम कर विकास का रोना रोने वाले। नहीं सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूम कर विकास पर भाषण देते हैं लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। गुजरात दौरे पर हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, करजन में पीएम मोदी से अमित शाह के बेटे पर जवाब मांगा। वडोदरा में छात्रों के बीच राहुल ने बीजेपी को घेरा, अमित शाह के बेटे को बताया स्टार्टअप इंडिया का आइकन। आपको मालूम है किसका बिजनेस अच्छा चला? अमित शाह के पुत्र का बिजनेस। छात्रों के बीच राहुल गांधी का तंज, कहा बेटी बचाओ में नाकाम रहने पर अब बेटा बचाओ में जुटी बीजेपी। राहुल ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए, कहा मैं चाहता हूं कि चीन में भी लोग मेड इन इंडिया मोबाइल से सेल्फी लें। गुजरात में राहुल गांधी ने संघ पर हमला किया, पूछा आरएसएस में क्यों नहीं होती महिलाएं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हार की हताशा में है कांग्रेस उपाध्यक्ष। इस प्रकार का ओछा बयान देने की अपेक्षा राहुल गांधी से निश्चित रूप से अब की जा सकती है क्योंकि चुनाव के चलते एक बार फिर गुजरात में हार का सामना करते हुए बौखलाहट उनकी इसमें साफ झलकती है। बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के बचाव में उतरे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा आरोप में नहीं है कोई दम, जांच की जरूरत नहीं। अमित शाह के बेटे को लेकर कांग्रेस का हंगामा, दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला। गुजरात के वडोदरा में राहुल ने आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य, साथ में अशोक गहलोत और भरत सिंह सोलंकी भी देखे। अयोध्या को लेकर योगी सरकार का नया प्लान, सरयू के किनारे बनेगी भगवान राम की भव्य प्रतिमा, करीब 100 मीटर ऊंची होगी भगवान राम की प्रतिमा, यूपी के पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिखाया गया है प्रोजेक्ट का स्लाइड शो, केंद्र ने मंजूर की है करीब 130 करोड़ की राशि। अयोध्या का विकास केंद्र सरकार ने भी लगभग 130 करोड़ इसके लिए मान्यता दी है और उसका एक चित्र अब बन रहा है। 18 अक्टूबर को अयोध्या में दिवाली मनाएगी योगी सरकार, कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुटा। में 2 बजे से 4 बजे तक निकाली जाएगी शोभा यात्रा, रामलीला करेंगे इंडोनेशिया और श्रीलंका के कलाकार। केरल की लेफ्ट सरकार के खिलाफ जारी है बीजेपी का हंगामा, दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले, निकाय उपचुनावों में बड़ी जीत, आधी हुई कांग्रेस की सीटें। उपचुनाव में नगर निगम की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, 1 तालुका पंचायत सीट पर भी कब्जा। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात की जनता को तेल के दामों पर बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 4% की कटौती। वैट घटने से गुजरात में 2.93 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत में 2.72 रुपए प्रति लीटर की कमी। आज रात से महाराष्ट्र में भी सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, फडणवीस सरकार ने घटाया वैट। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी, 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल। दिवाली से पहले मेट्रो ने दिल्ली के लोगों का निकाला दिवाला, 5 महीने में दूसरी बार बढ़ा किराया।
15 से बढ़कर 20 रुपए हुआ 2 से 5 किलोमीटर का किराया। इसके बाद हर स्लैब में 10 रुपए की बढ़ोतरी। स्मार्ट कार्ड पर पहले की तरह जारी रहेगी 10% की छूट, ऑफ पीक आर में 20% का फायदा। मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी, कहा जेब पर बढ़ेगा बोझ। से वहां 12 कम्बर रोड तक आने के 45 रुपए लग गए हमारे, तो हम स्टूडेंट इतना कहां से खर्च करेंगे। मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर सियासी कोहराम, मेट्रो भवन के बाहर एबीवीपी का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में पटाखा बेचने वालों पर पैनी नजर, दुकानों पर लटका ताला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पटाखा कारोबारियों में नाराजगी, दिल्ली में धरने पर बैठे दुकानदार। गाजियाबाद में पटाखा कारोबारियों ने पीएम से लगाई मदद की गुहार, खून से लिखी चिट्ठी। मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री पर रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया आदेश। हरियाणा के सिरसा में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, पराली जलाने पर रोक को लेकर नाराजगी। श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकी हमला, सीआरपीएफ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। ह्युंडई कार में सवार थे 3 से 4 आतंकवादी, बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद फरार हुए। तीन दिन और पुलिस रिमांड में रहेगी हनीप्रीत, पंचकुला अदालत से पुलिस ने मांगी थी 9 दिन की हिरासत। पंचकुला कोर्ट में फूट फूट कर रोई हनीप्रीत, कहा जितनी जानकारी थी पुलिस को बता चुकी। इनको जो जाति जानकारी है जिसके बारे में और किसी को नहीं पता, और ये उनके बारे में बतला सकते हैं, इसीलिए इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की फर्दर हमने मांग की थी, और माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 दिन का इनका पुलिस रिमांड दिया। पुलिस ने कोर्ट में दी हनीप्रीत के जांच में सहयोग नहीं करने की दलील, मोबाइल और सिम रिकवर करना बाकी। हनीप्रीत के निजी सचिव राकेश अरोड़ा पर कसा कानून का शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। पूछताछ के लिए पंचकुला पुलिस के बुलावे पर नहीं पहुंची सच्चा सौदा की चेयरपर्सन उपासना इंसा, बीमारी का हवाला दिया। कस्टम अधिकारियों की मिली भगत से अवैध आयात को लेकर सीबीआई की कार्रवाई, देश में 9 ठिकानों पर छापेमारी। ऑनलाइन कंपनी को करीब 50 लाख का चूना लगाने वाला गिरफ्तार, मोबाइल की डिलीवरी के बाद झूठ बोलकर वसूलता था पैसे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इनामी बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, एक घायल एक फरार। हरियाणा के भिवानी भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था ज्ञान। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती के लिए आए परीक्षार्थियों का बवाल, एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर हंगामा, पुलिस ने भाजी लाठियां। राजस्थान में पाक सीमा से सटे इलाकों में दिवाली से पहले अलर्ट जारी, रेलवे स्टेशनों पर खास एहतियात। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलटी बेकाबू रफ्तार स्कूल बस, एक छात्र की हालत गंभीर। केरल के तिरुवनंतपुरम में 65 साल का पादरी गिरफ्तार, चर्च के भीतर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में रोड डिवाइडर पर चढ़कर पलटी मुसाफिर बस, करीब 1 दर्जन यात्री घायल। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में दुकानदार को भारी पड़ा नारियल पानी के पैसे मांगना, बाइक सवारों ने गोली मार दी। दिल्ली के इंद्रलोक में टूटा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने ट्रक समेत 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक युवती की मौत, 8 घायल। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद बवाल, गांव वालों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। शामली में चीनी मिल में गैस रिसाव से करीब 300 स्कूली छात्र बीमार, सरकार ने जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग, आसपास की कंपनियों को कराया गया खाली। गुवाहाटी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सामने 119 रनों का लक्ष्य, नहीं चला भारत का टॉप ऑर्डर, पूरी टीम 118 रनों पर ढेर। ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने लड़खड़ाई भारत की बल्लेबाजी, तेज गेंदबाज जेसन बहरेन गॉल्फ ने चटकाए 4 विकेट। भारत की तरफ से केदार जाधव ने बनाए सबसे ज्यादा 27 रन, पांड्या ने दिया 25 रनों का योगदान। मैच से पहले बारिश के चलते बल्लेबाजों के लिए मुफीद नहीं रही पिच, गेंदबाजों को मदद मिली। कम स्कोर के चलते भारत की सीरीज जीतने पर आशंका, बारिश प्रभावित पहले मैच में भारत को मिली थी जीत।
अगले 6 महीनों में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियों के नए मौकों में होगी कमी, ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के चलते आशंका। दिसंबर तक महंगाई दर में कमी के चलते ब्याज दरों में कटौती कर सकता है आरबीआई, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट में दावा। नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स की संख्या में 27% का इजाफा, 1,78,00,000 हुए एनपीएस के निवेशक। गलत वेबसाइट्स पर लुभाने के लिए कपिल शर्मा के नाम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मैकेफी की लिस्ट में सलमान दूसरे और आमिर तीसरे नंबर पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया केयूवी 100 का अपडेटेड वर्जन, 4,39,000 से 7,33,000 की। फोक्सवैगन ने लॉन्च किया प्रीमियम सेडान पसार्ट का नया अवतार, 29,99,000 रुपए है शुरुआती दाम। वॉल्वो ने उतारी भारत में असेंबल्ड अपनी पहली कार XC90, 10% मार्केट हिस्सेदारी हासिल पर है नजर। जीएसटी को बेपटरी करने के प्रयासों के बावजूद लागू करने में नहीं हुई दिक्कत, वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा। 145 रुपए तोले की बढ़त के साथ 30,765 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का दाम, चांदी 290 रुपए बढ़कर 40,990 पर बंद। 77 अंकों की बढ़त के साथ 31,924 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 28 अंक बढ़कर 10,016 पर बंद। मांग घटने की वजह से 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल गिरे प्याज के दाम, घाटे से किसानों में नाराजगी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें, आने वाले कुछ दिनों तक बरसात जारी रहने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश, दुर्गापुर के ज्यादातर इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश, खरगोन में सड़कों पर घुटनों तक पानी। लंदन जाएगी पाकिस्तान की एनएबी की टीम, भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों की तलाश। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग का तांडव, 10 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में जारी है शूटर को ढूंढने की कवायद, पुलिस वाले की हत्या करके फरार है संदिग्ध, ड्रग्स मामला। हॉस्टल के कमरे में ड्रग्स की मौजूदगी के बाद संदिग्ध से पूछताछ कर रही थी पुलिस, थाने में पुलिस वाले की हत्या करके फरार हुआ आरोपी। लंदन में रिलीज हुई दुनिया की पहली पेटेंट फीचर फिल्म, मशहूर पेंटर वॉन गॉग पर बनी है लविंग विंसेंट।